हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हार्वेस्ट के बारे में जो टॉपिक बताए थे, हाउ टू कंट्रोल हार्वेस्ट, उसका हम दूसरा पार्ट में बताने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम ये बोले थे कि रिम फ्रेम में अपन क्या सेटअप रखेंगे ताकि हार्वेस्ट कम आएगा ओवरऑल में, तो वो रिम फ्रेम का बात अपन कवर कर लिए थे। और अभी ऑटो कॉर्नर के एरिया देखेंगे, ऑटो कॉर्नर में हम क्या क्या कर सकते हैं जिसके कारण अपना हार्वेस्ट परसेंटेज कम रहेगा। आपको मालूम होगा हार्वेस्ट अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा आता है, मतलब लाख लाख रुपया का लॉसेस होता है। समझ लो एक 30,000 स्पिंडल का प्लांट है, अपना महीने का कम से कम 2-2.5 लाख का वेस्टेज जाता है अगर हार्वेस्ट बढ़ जाता है। मतलब हर पॉइंट को भी अपन कंट्रोल करना पड़ता है, इसीलिए हर जगह क्या करते हैं हार्वेस्ट कंट्रोल करने के लिए एक बाकायदा रजिस्टर रखते हैं, डेट वाइज इसको मेंटेन रखते हैं, प्रोडक्शन कितना है, हार्वेस्ट कितना है, परसेंटेज कितना है। और हार्वेस्ट बाकायदा सुबह लेके मिक्सिंग डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर के सामने इसको तुलवाते, उसी से पर्ची लेके रखते हैं कि इतना केजी का आया करके, ताकि कोई मैनिपुलेशन ना करे। और हार्वेस्ट जितना कम रहेगा आपकी कंपनी का ग्रोथ उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी अब टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि अपन रिम फ्रेम का बता दिया था, अभी ऑटो कॉर्नर का देखो, तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है हार्वेस्ट। सबसे पहला पॉइंट है कट्स, दूसरा हो गया रिजेक्शन, तीसरा हो गया रिपीटर ब्रेकेज, तीन कारण से होता है। तो कट्स तो जो होता है अपना सिंगल यान में 60 से 70 तक, मैक्सिमम 75 तक, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड बोलते। अगर डबल यान चलाते हो तो 30 से 40 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कट्स नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा कट्स हो जाएगा तो हार्वेस्ट का परसेंट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा, और जिसके कारण अपन को बहुत बड़ा मनीटरी लॉस होगा। अभी देखिए रिजेक्शन स्टैंडर्ड 5% है। अगर अपन मैगजीन में अपन बॉबिन फीड करते हैं, जनरली 100 बॉबिन में 5 बॉबिन रिजेक्ट कर देता है, मतलब इसको बाहर निकालना पड़ता है चाहे कोई भी कारण हो। और जहाँ पे रिम फ्रेम का मेंटेनेंस बढ़िया है, वर्क कल्चर बढ़िया है, वो सब चीज़ अच्छा है, तो वो जो 5% है अपना 1-2% तक भी आ सकते हैं। 1-2% आएंगे तो अपना जो हार्वेस्ट का स्टैंडर्ड बता रहा है उससे भी कम हो जाएगा, मतलब 0.6, 0.5 के जगह 0.4, 0.45 तक भी आ सकता है। ऐसे ही रिजेक्शन का अपन 10% रखे हैं स्टैंडर्ड, ये रिपीटर का, रिपीटर जो है 10% रखे। अगर आपकी बढ़िया वर्किंग रहता है, क्वालिटी अच्छा निकलता है रिम फ्रेम में, रिपीटर भी आप 5% तक ले सकते हो। और जहाँ पे 5% तक ले लोगे वहाँ पे भी हार्वेस्ट का लेवल आपकी 2-3 पॉइंट कम आ जाएगा, मतलब 0.6 जगह 0.4 आ जाएगा, 0.7 जगह 0.5 आ जाएगा, ऐसे ही कम हो जाएगा। तो कार्ड्स, रिजेक्शन, रिपीटर, वो कुल मिला के ये तीनों चीज़ हम कैसे कम करें वो देखना है। वो चीज़ अगर कम रहेगा तब जाके आपकी हार्वेस्ट मेंटेन कर पाओगे। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखा, आप देखिए एक बार। सबसे पहले टू कीप मिनिमम कट्स 1 लाख मीटर्स, i.e. सिंगल यान 60 से 70, डबल यान 30 से 40। बोल जो कट्स लेवल होता है ऑटो कॉर्नर का, मतलब 60 से 70 कट्स पर 1 लाख मीटर सिंगल यान में, और डबल यान में 30 से 40 कट्स पर 1 लाख मीटर। डबल यान में इसीलिए कम रहता है क्योंकि जब अपन डबलिंग करते धागा उसमें थिक थिन सब आपस में मर्ज हो जाता है, इतना फॉल्ट नहीं आता, इसीलिए डबल यान में इतना ही रहता है स्टैंडर्ड। टू सेट अपर आर्म पैकेज गेज 5 mm, अपर आर्म और पैकेज के बीच में अपन को 5 mm का गेज रखे। अपर आर्म जो ऐसे कोन से मतलब धागा खींच के लेके स्प्लाइस में देता है,
उसका अंदर सक्शन भी बहुत तगड़ा होनी चाहिए और गेज भी, दोनों चीज रहेगा तो एक चांस में वो कौन से जो तार ब्रेकेज होगा, यान ब्रेकेज होगा, कौन से वो आराम से ले लेगा खींच के। अगर आपकी गेज गलत हो गया या सक्शन पुअर हो गया तो धागा एक चांस में नहीं ले पाएगा। दूसरा चीज देखिए, इफ 21C मुराटा का ऑटोकोनर है, उसमें एक बालकन सेटिंग रहता है, बालकन सेटिंग होता है, बॉबिन कितना बड़ा है, कितना लेंथ का है, उसी हिसाब से बालकन का सेटिंग करते हैं। जैसे बॉबिन खाली होता होता जाएगा, बालकन नीचे नीचे जाता रहेगा, वो बेलूनिंग का कंट्रोल करता है, जिसके कारण यार्न टेंशन में जाता है और बराबर टेंशन सेट करके छोड़ता है, ऑटोकोनर में कट्स कम आता है। अगर बालकन सेटिंग बिगड़ गया या काम नहीं किया तो आपकी हार्डवेस्ट बढ़ जाएगा। क्लीन ड्रम बाई LB पट्टी वाटर सॉल्यूशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप समझ लो कोई मैनमेड फाइबर चला रहे हो या ओन डाइड फाइबर चला रहे हो या कोई ट्रासी कटन चला रहे हो, ड्रम के ऊपर डिपोजिशन या वैक्स ये सब जमा हो जाता है, चिपक जाता है। चिपक जाने से क्या होता है, जब इतना स्पीड में अपना ऑटोकोनर चलता है वो समझ लो उसमें बीच में वैक्स लगा हुआ, तो जो धागा जाएगा वो ड्रम में लपट जाएगा, कोर में नहीं लपट के ड्रम में लपट जाएगा, तो इसको फिर चाकू से काटना पड़ता है। तो इसीलिए जो ड्रम है इसको LB 40 और थोड़ा पानी लेकर इसको बढ़िया से घिस के साफ करने का, नहीं तो पेट्रोल से भी साफ कर सकते हो, लेकिन हमेशा क्लीन करने रखना पड़ता है, मतलब 2-4 दिन में एक बार सुबह सुबह सफाई कर देने से बढ़िया रहता है। सिस्टम प्रेशर कीप एबव 6.5 kg फॉर सिंगल और 7-7.5 kg फॉर डबल। ये जो अपना स्प्लाइस होता है एयर प्रेशर से होता है। अगर आपकी सिंगल यान चला तो स्प्लाइस करने के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड से थोड़ा खुलेगा, लगा देगा, स्प्लाइस कर देगा, लेकिन उसमें 6.5 kg से नीचे नहीं होना चाहिए प्रेशर, 6.5 kg प्लस होनी चाहिए। ऐसे डबल यान में थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 7.5 kg से कभी कम नहीं रखना, वो 7.5 kg से कम रहेगा, इसमें 6.5 kg से कम रहेगा स्प्लाइस मिस होगा, स्प्लाइस हो नहीं पाएगा, फिर वो मतलब दोबारा स्प्लाइस करना पड़ेगा। एक बार स्प्लाइस करने से आपको मालूम है धागा इतना खींचता है, खींच के वोस्टेज बढ़ाता है, तो इसको ध्यान रखेगा। और देखिए, ड्यूरिंग फीडिंग ऑफ कॉप्स ऑनवाइंड अंडरवाइंडिंग मिनिमम। देखो कारीगर क्या करता है, जैसे अपना बॉबिन होता है ना, 4-5 बॉबिन ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे अंडरवाइंडिंग साफ करता है, तो कोई अंडरवाइंडिंग के बाद में भी 2-3 लेयर खींच देगा, कोई बराबर खींच लिया, कोई कम खींचेगा, और अगर कम खींचा तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा खींच लिया तो हार्डवेस्ट वोस्टेज में जाएगा। तो इसको बड़ा सावधानी से पकड़े और आराम से खींचे और उसके बाद मैगजीन में डाले। और कभी कभी ऐसे देखना 5-6 बॉबिन पकड़ा और ऐसे सारे उंगली लगा के ऐसे नोच दिए, ऐसे नोचने से क्या होगा, ये टॉप स्लब अप हो जाएगा, वो भी दोनों चीज़ खराब है, तो ये बैड प्रैक्टिस के नाम पे जाएगा। अगर कारीगर ऐसे करता है वो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। डू नॉट क्लीन 4-5 बॉबिन्स विथ ऑल फिंगर्स, इट विल कॉज टॉप स्लब अप। कोई बताए 4-5 बॉबिन पकड़ ऐसे ऐसे नोच लेंगे, अगर जिस धागे में अपन टिपियाई कम है या होजियरी माल बन रहा है वो तो आसानी से स्लब अप हो जाएगा, अगर वार्प काउंट है या पूरा कड़क बॉबिन है तो उसमें चांस रहता है बचने का, लेकिन होजियरी धागे में तो ये बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद देखिए, रिजेक्टेड बॉबिन्स डू नॉट फीड ऑन मैगजीन फ्रिक्वेंटली, कीप असाइड। अगर कोई बॉबिन रिजेक्शन हुआ इसको क्या कारीगर क्या करता है, हाथ से थोड़ा साफ करके फिर डाल देता है, हाथ से थोड़ा साफ करके फिर डाल देता है, ऐसे कभी नहीं करना। वो जो रिजेक्शन हुआ इसको एक साइड से रखिए, जो आपकी जावर है, हेल्पर है, वो देखेंगे क्या दिक्कत है, क्यों रिजेक्ट हुआ, हाँ उसका चेकिंग कराएंगे या उस्टर कराएंगे, कुछ उसका सर्वे करेंगे क्या प्रॉब्लम्स हुआ, चेक होने के बाद फिर वो बताएंगे, थोड़ा थोड़ा दे के चलाएंगे। ड्यूरिंग स्प्लाइस डू नॉट अलाउ एबव 0.5 meters of yarn फॉर ओस्टेज।
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे अपना स्प्लाइस होता है, नीचे का आर्म से अपना धागा पकड़ कर रखा, ऊपर से कोन से अपर आर्म खींच के लेगा, खींच के लेके स्प्लाइस करेगा। जब स्प्लाइस करेगा, ध्यान रखे आधा मीटर से ऊपर धागा स्प्लाइस नहीं जाए, वेस्टेज आधा मीटर से ज़्यादा जाता है तो उसका आपको सेटिंग करना पड़ेगा मेंटेनेंस वाला से, उसे ज़्यादा अलाउ नहीं करना। सक्शन प्रेशर मस्ट स्ट्रांग टू अवॉइड स्प्लाइस मिसिंग। वही बात है, जैसे अपना रिम फ्रेम बॉबिन मैगजीन में डालते हैं, कभी कभी इसको क्या पटा के देखना सक्शन कैसे कितना हो रहा है, या जो अपर आर्म है वो भी हवा खींचता है, सक्शन खींचता है ताकि वो कौन से धागा नोच के लेता है, और ये सब चीज़ अपना फैन की स्पीड का ऊपर है। कभी कभी देखिए ऑटो करंट में सक्शन कम होने से कारण स्प्लाइस नहीं हो पाता, मतलब सक्शन कम है, धागा लेने गया अपर आर्म मिला नहीं इसको, फिर वापस आया तो स्प्लाइस मिस होने से क्या होता है, हार्डवेस्ट बढ़ता है। तो सक्शन प्रेशर चेक करने का मतलब मेंटेनेंस वाला स्क्रूज वाला किसी को लगा कर चेक करना, सक्शन प्रेशर बराबर होनी चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए अंडर राउंड मैगजीन क्लीन हार्डवेस्ट टाइम टू टाइम। जो अपना मैगजीन रहता है जिसमें अपना 6 बॉबिन रहता है, मतलब एक्स्ट्रा रहता है, एक बॉबिन चलता रहता है, तो उसमें क्या होता है, जब जैसे बॉबिन चेंज के टाइम आया कभी कभी रुक जाता है, क्या कारण से रुकता है, उसका नीचे जाम लगता है, तो क्या करना है, वो जो मैगजीन है राउंड मैगजीन, बीच बीच में मेंटेनेंस वाला को दे के इसको निकाल के उसका नीचे हार्डवेस्ट रहता है, वो हार्डवेस्ट कटवाएंगे तब जाके वो फ्रील घूमेगा, बॉबिन खाली हुआ फटक से घूम गया, फिर दूसरा बॉबिन डाल दिया। कभी कभी जाम रहेगा, मतलब अपर आर्म ग्रिपर आर्म सब काम किया, बॉबिन दे नहीं पाए टाइम पे, तो फिर स्प्लाइस का मिसिंग होगा, फिर बार बार वो दिक्कत जाएगा। फिर देखिए चेक स्प्लाइस स्ट्रेंथ, इट मस्ट बी एबव 80% ऑफ यार्न स्ट्रेंथ। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो अगर आपकी स्प्लाइस कमज़ोर रहेगा, और जैसे एयर प्रेशर की बात बताए, सिस्टम प्रेशर के बारे में, सिस्टम प्रेशर अगर कम रहता है तो स्प्लाइस कमज़ोर रहेगा। वो स्प्लाइस तो हर काउंट चेंज के बाद चेक करना चाहिए, स्प्लाइस का जो स्ट्रेंथ है 80% ऑफ यार्न स्ट्रेंथ होना चाहिए, ताकि स्प्लाइस खुले नहीं। अगर स्प्लाइस खुल गया फिर दोबारा आपको स्प्लाइस करानी पड़ेगी, तो इसीलिए स्प्लाइस स्ट्रेंथ हर काउंट चेंज के बाद ज़रूर चेक कर लीजिए। अपन को धागा की स्ट्रेंथ का 80% से प्लस चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको जस्ट एक मैं फिगर बता रहा हूँ, जैसे काउंट हार्डवेस्ट परसेंटेज एवरेज कट्स और स्टैंडर्ड रिजेक्शन स्टैंडर्ड रिपीटर, उसी हिसाब से दिया। तो जैसे कि समझ लीजिए 30 CS में अपना 0.7% हार्डवेस्ट आ रहा है, तो एवरेज कट्स 75 तक है, रिजेक्शन 4%, रिपीटर 9% है। ऐसे ही 30 CH एक्सपोर्ट में 0.6 हार्डवेस्ट, 70 कट्स, 5% है रिजेक्शन, 8% है रिपीटर। उस हिसाब से मैंने सारी काउंट का बताया। 40 काउंट में देखो CH में थोड़ा कट्स ज़्यादा रहेगा, और 40 CW में कम रहेगा, हार्डवेस्ट भी कम आता है, और 40 कार्डेड में 0.65%, 62 कार्ड से 5% रिजेक्शन, 10% रिपीटर। ये मान के चलो जो रिजेक्शन परसेंटेज है 5% स्टैंडर्ड है, रिपीटर 10% तक स्टैंडर्ड है। आप ये मान लीजिए, समझ लीजिए आपकी रिजेक्शन परसेंट और कम आ, मतलब 1-2% आ, और ये कम आ जाएगा, ये आपकी 0.7 जाएगा, 0.6 आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा, तो कम हो जाएगा। और ये भी रिपीटर भी कम हो गया, जैसे 4-5% आ गया, 4-5% आ गया, तो उसी हिसाब से और कम हो जाएगा। तो ये सब इंटर लिंक है, मतलब कार्ड्स रिजेक्शन रिपीटर, ये तीन चीज़ मिला जुला रिजल्ट आता है हार्डवेस्ट के ऊपर।
तो सबसे पहले देखना है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, कोर्स काउंट में कट्स कम आता है, और इसीलिए कोर्स काउंट में हमेशा ये आता है, मतलब परसेंटेज ऑफ हार्डवेस्ट कम आता है। जब फाइन काउंट चलाते हैं तो हार्डवेस्ट का परसेंटेज बढ़ जाता है। अभी ये एक आपको सारे काउंट का दे दिया, 80 काउंट का देखो 0.65%, 72 कट, 6% रिजेक्शन, 11% रिपीटर। तो हमको पहले देखना है कट्स कैसे कम करना है। एक आप देखिएगा, मेरा एक टॉपिक है ऑटोक्रोनिक कट्स, उसमें पूरा मैंने डिटेल समझाया है कट्स कैसे कम किया जाए, हर चीज़ में पॉइंट दे के बताया मैंने। आप इसको देखिएगा, वो कट्स वाला मैटर आप पूरा समझ जाओगी अपन कैसे कट्स कम कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है रिजेक्शन। रिजेक्शन क्या होता है, जैसे आपकी डबल लपेटा रहा और बॉबिन डिफेक्टिव रहा, या हाई आईपीआई रहा, हाई काउंट्स भी रहा, मटेरियल मिक्सअप रहा, ये सारी चीज़ का मिला जुला रिपोर्ट आता है रिजेक्शन। रिजेक्शन जितना ज़्यादा आएगा, समझ लो कभी रिंग फ्रेम में चालू में वो रिंग रेल का पेटी नीचे ले लिया, डब नहीं आएगा करके भारी कर दिया, फिर नीचे छोड़ दिया, फिर वो ऊपर नीचे वहीं पे हो गया, वो कॉप क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, फेंक देगा। तो कभी कभी एबीसी रिंग जस्ट टच हो गया, मतलब वो बॉबिन में खाली घिस के चला, मतलब कटा नहीं धागा, लेकिन घिस घिस के उसका शाइनिंग आ गया, वो केस में वो भी रिजेक्ट कर देगा, फेंक देगा बॉबिन, चल के ले देगा। और हाई इम्परफेक्शन रहेगा वो भी रिजेक्शन कर देगा। ये सारी चीज़ रिजेक्शन कम करने के लिए आपको कुल मिला के मतलब रिंग में अटैक करना है। और ऑटोकोनो में रिजेक्शन से क्या ये है, समझ लो आपकी सीजर काटा नहीं, नीचे वाला जो ग्रिपर आर्म टाइम पे पकड़ा नहीं, मतलब वो जाम है, या सक्शन आर्म आप टाइम पे लिया नहीं, और ये सब कारण से रिजेक्शन होता है। और रिपीटर क्या होता है, रिपीटर के बारे में बताता हूँ। जैसे आपकी कोई बॉबिन एक बार धागा कटा, तो वो सेक्शन आर्म में एक बार कोशिश करेगा धागा ऊपर से लेके स्प्लाइस करने के लिए, एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार के बाद सेक्शन आर्म और काम नहीं करेगा, उस पर तीन बार का साइकिल डला रहता है। तो तीन बार के बाद क्या करेगा, वो ड्रम लाल लाइट आएगा, इसको कारीगर जाके वो कोन से जो एंटेंगलमेंट है जहाँ से धागा वो पकड़ नहीं पा रहा था, थोड़ा साफ करके फिर चालू कराएगा। वो तीन बार जब आपके खींचेगा रिपीटर में, तीन बार स्प्लाइस करने की कोशिश करेगा, वो तीन बार स्प्लाइस करेगा तो तीन बार हार्डवेस्ट बना। तो ये ध्यान रखना, वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपकी एफिशिएंसी घटेगा, ऑटोकोनर का हार्डवेस्ट बढ़ेगा, दोनों चीज़ अफेक्ट करता है। तो रिपीटर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपकी लंग थिन है, लंग थिन जो आता है, एक बार आप ऑफिस रिपोर्ट में देखना, मेरा टॉपिक है ऑफिस रिपोर्ट है, उसमें लंग थिन का फॉल्ट कैसे होता है इसमें मैंने डिटेल में बताया। और उसमें क्या होता है, लंग थिन का जो फॉल्ट होता है, समझ लो ऑटोकोन में चलते चलते कोन के अंदर वाइंडिंग हो गया, लंग थिन हुआ, लंग थिक हो, तो इसको जब वो काट देगा धागा, फिर ड्रम को मतलब उल्टा घुमा के वो सेक्शन आर्म, अपर आर्म, सेक्शन आर्म इसको खींचेगा, उसका लिमिट रहता है 10 मीटर तक खींच सकता है। जनरली 1.5-2 मीटर का फॉल्ट लेके चालू कर देता है, इतना लंबा फॉल्ट कभी कभी आता है, लेकिन 10 मीटर का सेटिंग कर रखे, इसको और ज़्यादा नहीं बढ़ानी, 10 मीटर मैक्सिमम लेंथ रखना, ताकि वो खराब यान पूरा खींच के वो स्टेज में डाल दे। तो ये रिजेक्शन, रिपीटर और एवरेज कट्स, इसको आप बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपना ऑटोकोनर का बारे में बता रहे थे हार्डवेस्ट कैसे कम करेंगे। एक पॉइंट और है, ग्रिपर आर्म सेटिंग मस्ट बी परफेक्ट, मतलब ग्रिपर आर्म जो अपना धागा कटने के बाद जो स्प्लाइस करता है, ग्रिपर आर्म क्या बराबर फंक्शन करेगा तो वो नीचे वाला धागा लेके ग्रिप करके रखेगा, ऊपर का धागा आएगा स्प्लाइस होगा। कभी कभी क्या होता है, ग्रिपर आर्म जाम रहता है या कोई कारण से बराबर काम नहीं करता, टाइम पे काम नहीं करता, उसमें क्या होता है रिपीटर बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए, सीजर ब्लेड सेटिंग एंड शार्पनेस मस्ट ओके, जो उसमें ब्लेड रहता है कैंची जैसा रहता है, जो धागा काटता है, काटने के बाद स्प्लाइस करता है, समझ लो कैंची में धार नहीं है तो बराबर काटेगा नहीं, काटेगा नहीं तो फिर वो रिपीटर ब्रेकेज में चला जाएगा।
तो सीजर का सेटिंग भी बराबर रहे और उसका धार भी बराबर रहे, दोनों चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और डैमेज्ड ड्रम्स मस्ट रिप्लेस्ड। एक चीज़ है, जैसे अपना धागा चलता रहता है ग्रुप का अंदर, मतलब धागा चलता रहता है, कभी कभी ग्रुप में कहीं कहीं घिस घिस के कट जाता है, इसको क्या करना है, बारीक एमरी पेपर से लेके सफाई करके देखना, अगर नहीं होता वो ड्रम चेंज कर देना। कटा हुआ ड्रम रहेगा, बार बार ब्रेकेज होगा, ऑटोकॉन में कट्स बढ़ेगा। टेक फुल कोन्स ऑन ट्रॉली इंस्टेड ऑफ बाई हैंड। जैसे अपना कोन डपिंग है, जो कोन डप गिर गया, तो इसको ट्रली लेके ट्रली में सजा सजा के लेना, ना कि अपन ऐसे हाथ में 8-10 कोन रख दिया, एक हाथ में एक रख लिया, नीचे एक लटका दिया, फिर रास्ते में गिरेगा, रास्ते में गिरेगा, कभी कोन फट गया या कभी उसका स्टेल लग गया, दाग लग गया, फिर वो नोचना पड़ेगा, वो दिक्कत जाता है फिर। और दूसरा चीज़ है क्लीनिंग अप हार्डवेस्ट फ्रॉम फिल्टर इन एवरी 2 आवर्स। जैसे अपना स्प्लाइस वगैरह होता है, सारी हार्डवेस्ट फिल्टर का अंदर जाता है, और फिल्टर में हर 2 घंटे में सफाई करना। अगर आप फिल्टर का 2 घंटे में सफाई नहीं करोगे, सेक्शन कम हो जाएगा, फिर स्प्लाइस का फेलोर होगा, रिपीटर बढ़ेगा, कट्स बढ़ेगा, सब बीमारी बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग EYC क्लीनिंग बाई एयर प्रेशर यूज पार्टीशन। जैसे समझ लो आपके ऑटोकॉनर ऐसे 2 आमने सामने लगा हुआ, तो ये मशीन में प्रेशर मार रहे हैं, तो सामने वाला मशीन में अपना लकड़ी का जो पार्टीशन रहता है या GI सीट का रहता है, इसको सामने लगा दीजिएगा, या पर्दा होगा तो पर्दा खींच लीजिएगा एक साइड से उधर से इधर, ताकि प्रेशर मारोगे वो एयर प्रेशर से जो फ्लाई फ्लॉप है इधर उड़ के ना गिरे, इधर उड़ के गिरेगा फिर कट्स वगैरह बढ़ जाएगा। गिव इंटर ऑफिस मेमो टू स्पिनिंग फॉर रिंग कप्स अबनॉर्मलिटी से। मतलब आपके अगर रिम फ्रेम से मटेरियल खराब आता है, जैसे कि आपको बताया लपेटा आया, रिंग कट आया, ABC रिंग टच आया, स्लाब अप आया, लोट पे आया, जो भी है, या लाइट डप आया, वो आप क्या करना, इसको आप बिल्कुल लिखित में इंटर ऑफिस मेमो देने का स्पिनिंग वाला को, कि भाई आपके ये बॉबिन खराब आ रहा है, जिसके कारण अपना कट्स बढ़ रहा है, एफिशिएंसी डाउन हो रहा है, इसको ध्यान रखिए, और बराबर इनको देते रहना मेमो, ताकि वो थोड़ा टाइट रहे। मेंटेन हार्डवेस्ट परसेंटेज रजिस्टर स्ट्रिक्टली। हार्डवेस्ट परसेंटेज का रजिस्टर आपको बताया था, जैसे डेली इसको कितना हार्डवेस्ट आया 24 घंटे का, इसको नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद इसका परसेंटेज निकालिए, रिंग का KG का ऊपर परसेंटेज निकाल दो, कितना परसेंटेज आया, और वो रजिस्टर मेंटेन रखने का, ताकि इसको कुछ जो अपन देखेंगे, मतलब आइधर हम नीचे की साइड जा रहे हैं या ऊपर ऊपर जा रहे हैं, अगर ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो फिर स्पिनिंग वाला को और टाइट करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा, या खुद का ऑटोकॉनर में कुछ सुधार कर सकते हो करना है। मेंटेन ये कीप ऑटोकॉनर मशीन अप टू डेट रिलेटेड टू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस बिल्कुल ऑटोकॉनर में तगड़ा होनी चाहिए, हर टाइम मशीन मेंटेन रहना चाहिए, सब सेटिंग वगैरह बराबर रहे, मेंटेनेंस बराबर रहे, हार्डवेस्ट जरूर कम आएगा। अच्छा, और एक तरीका बताता हूँ, जैसे हार्डवेस्ट समझ लो आपकी 5 ऑटोकॉनर है, तो 5 ऑटोकॉनर में एक बार 8-8 घंटे का सबका वजन करना हार्डवेस्ट, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा ऑटोकॉनर ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, इसको आप मेंटेनेंस बोला को बोल के अटेंड कर सकते हो, इसको 8 घंटे का वेस्ट कितना है, प्रोडक्शन कितना है, उसे मालूम पड़ जाएगा लगभग परसेंटेज कितना है, तो ऐसे ही चेक करना है हार्डवेस्ट। और मेरे को उम्मीद है आपको ये वाला मेरा टॉपिक जो है हार्डवेस्ट कंट्रोल कैसे करना है, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को उम्मीद है, और आप मेरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।